माता की जय। पत्र इनके इरादे हैं चट्टान से, ये मुश्किलों को कर देते हैं चूर, ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं, न फिक्र है इन्हें दरिया की गहराइयों की। हौसलों को हथियार बना ये लड़ते हैं आफत से जंग, और मौत के जबड़े से छीन लाते हैं जिंदगी। ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 8वीं बटालियन के सूरमा। जब उनको हम रोप के माध्यम से भेजने की कोशिश करते हैं तो काफी घबरा जाते हैं कि हो सकता है वो, उनको लगता है कि कहीं रोप बीच में टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, हम नीचे पानी में ना बह जाए। तो उनको हम ठारस दिलाते हैं और अपने ऊपर भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसी भी कंडीशन में आपके, आपको हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, हम अपने ऊपर जोखिम उठा लेंगे, लेकिन आपको हम सेफ्टी से रिवर क्रॉसिंग करवाएंगे। देश में कहीं बाढ़ आए या भूकंप, आग लगने की घटना हो या ढह जाए इमारत, एनडीआरएफ के ये जाबाज हर चुनौती का सामना कर लोगों की जान बचाने को हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। आग की लपटों के बीच से, पानी की गहराइयों से, सैकड़ों टन मलबे के ढेर के नीचे ये सांसों की आहट को पहचान लाते हैं और बन के देवदूत करते हैं प्राणों की रक्षा। जरूरी नहीं कि हर जंग जान लेने के लिए लड़ी जाए, कुछ जंग जिंदगी बचाने की भी होती हैं, जहां जीतने वाला जान लेने वाले से बड़ा बन जाता है। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के इन योद्धाओं को ऐसी ही जंग के लिए तैयार किया जाता है। कुदरती हो या फिर मैन मेड, इन्हें दोनों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के भी गुर इनको सिखाए जाते हैं। एनडीआरएफ के जवान को सब कुछ करना होता है, उन्हें पहाड़ों पर जाके भी रेस्क्यू करना है, उन्हें पानी में भी रेस्क्यू करना है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन जवानों की स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग जवान है और स्विमिंग की ट्रेनिंग इनकी करवाई जा रही है। लगभग 35 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, एक महीने से ज्यादा की, और कई जवान ऐसे आते हैं जिनको स्विमिंग नहीं भी आती, उसके बावजूद उन्हें इस तरह से इतनी दक्षता से ट्रेन किया जाता है कि वो फिर आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, सजग होते हैं। हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं, डिप्टी कमांडेंट, उनसे और बात करते हैं। सर, आप स्विमिंग तो सभी लोग लगभग करते हैं, हम लोग भी जानते हैं थोड़ा बहुत बेसिक, लेकिन एक जवान की ट्रेनिंग किस तरह से अलग होती है? जो एनडीआरएफ का जो जवान है उसकी ट्रेनिंग अगर हम नॉर्मल एक सिविलियन से अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि जो एनडीआरएफ की जो ट्रेनिंग है उसमें विभिन्न तरह की टेक्निक्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, सर्टेन हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी देखरेख में प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 7 तरीके के जो हमारे ट्रेनिंग के पैटर्न हैं, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से एग्जिट करना है, किस तरह से किसी रेस्क्यूअर को, किसी विक्टिम को निकालना है, वो सारे सर्वाइवल टेक्निक्स और ये सारी जो तरीके की जो ट्रेनिंग है वो एनडीआरएफ के जवान को दी जाती है। सर, आप अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो जो 35 दिन की ट्रेनिंग है जी, उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी होता है कि कितना डीप आप जा सकते हो या किन हालातों से आप निपट सकते हो? बिल्कुल, एनडीआरएफ के जो एक नॉर्मल जब जवान की एंट्री होती है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एडीआरसी मॉड्यूल हम बोलते हैं, और उसमें हम कुछ सेलेक्टेड जो लॉट होते हैं उसमें हम अच्छे जो हमारे जो स्विमर्स निकल के आते हैं उनको हम डीप डाइवर्स के तौर पे उनको ट्रेंड किया जाता है, और वो हमारे जो गहराई है कोई 33 फीट है या 50 से 60 फीट तक की, लगभग हम अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन, कुछ इंस्टीट्यूट हैं भारत में, हम वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाते हैं और उस तरह से उनकी जो ट्रेनिंग क्षमता है
डीप में जाने की वो उसकी बढ़ाई जाती है। उसका टाइम अलग होता है जी, वो ट्रेनिंग ही अलग होती है। बेसिक ट्रेनिंग से वो स्पेशल ट्रेनिंग में एडवांस ट्रेनिंग हो जाती है, डीप डाइवर्स ट्रेनिंग। तो उसके लिए हम कोलकाता में भी कराते हैं, जहां लगभग 33 फीट के अप्रोक्स वो अपना जवान एक ट्रेनिंग लेता है कि किस तरह से 33 फीट डीप जाना है। तो उस तरह से इन जवानों के सामने अक्सर आपदा ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ के गंदले पानी के बीच रेस्क्यू करने की चुनौती होती है। इसके लिए रेस्क्यू के खास तरीकों की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर, ये सबसे पहले जो हम आपको एंट्री बता, हादसा होता है वहाँ बचाव और राहत के लिए सबसे पहले NDRF को ही बुलाया जाता है। केसरिया वर्दी वाले ये जाबाज आपदा की सूचना मिलते ही तुरंत देवदूत बनकर जिंदगी बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। हम आपको एक NDRF के जाबाज हादसे की जगह पर पहुंचते ही बचाव के काम में जुट जाते हैं। सबसे पहले मलबे से झांकती जिंदगियों को निकालने का मिशन शुरू होता है। तो चुनौती आती है मलबे भी काफी नीचे दबे घायलों को तलाशने की। तब NDRF के जवान अपने इक्विपमेंट्स की सहायता से टनों मलबे के नीचे जिंदगी के निशान ढूंढने में बारीकी से जुट जाते हैं, जिसमें टीम के बेजुबान साथी भी उनका खूब साथ देते हैं। तो किसी ऐसी जगह ऐसे इंसिडेंट पर पहुंचने के बाद जो विक्टिम ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं उनका तो रेस्क्यू हो गया, लेकिन अब कई बार बिल्डिंग के नीचे लोग फंसे होते हैं, इस डेब्रिस इस मलबे के नीचे लोग फंसे होते हैं, तो उनको ढूंढने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है कैनाइन सर्च, जिसमें डॉग्स को इस तरह से अंदर भेजा जाता है। संजीव कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये किस तरह का सर्च होता है? सर ये कैनाइन सर्च है और कैनाइन की मदद से हम इसको सर्च करते हैं, और कैनाइन की पावर आपको पता होगा कि ह्यूमन से ज्यादा होती है सूंघने की, तो ये ह्यूमन सैंड को आपको सूंघ के तब बताएगा कि यहाँ पे कोई विक्टिम है कि नहीं। टीम आती है, मलबा काटते हैं, ड्रिल करते हैं, आखिरकार मलबे को काटकर कई जिंदगियों को बचा लिया जाता है। NDRF के जवानों को केवल रेस्क्यू ही नहीं बल्कि जान बचाने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। खास तौर पर पीड़ित को कहां चोट लगी है या फिर कहां कहां फ्रैक्चर है, इसका पता लगाने से लेकर टांके लगाने और CPR से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। बेसिकली NDRF आपको पता ही कि हमेशा आपदा के साथ ही जुड़ा है, तो जो भी इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वार्टर जो भी इंडिविजुअल NDRF में आता है ऑन डेप्टेशन, तो मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर कोर्स एक होता है जो कि 4 वीक्स का होता है, सबको करना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन बिकॉज वी हैव टू डील, हर दिन हमें आपदा के साथ सामना करना पड़ता है। जो MFR में बेसिक MFR में जो अच्छे स्कोर करते हैं उन्हीं लोगों को हम यहाँ एडवांस कोर्स के लिए यहाँ बुलाते हैं। ये 4-8 वीक्स का होता है और इसमें जो हमारी जो कैजुअलिटीज जो ऑन फील्ड कैजुअलिटीज को जो फर्दर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है। कड़ी ट्रेनिंग के इस सिलसिले से गुजरने के बाद ही ये तमाम कमांडोज जिंदगियां बचाने के मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, और आपदा के समय जब भी देश इन्हें मदद के लिए पुकारता है बिना एक भी पल गवाए ये वतन वालों की हिफाजत के लिए निकल पड़ते हैं। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। इन जवानों के हौसले को आपने देखा है, समझा है, इनकी ताकत को आप अलग अलग आपदाओं में महसूस करते हैं, लेकिन आज वो दिन है जब आप इनके जज्बे को देखकर समझ तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इनके जज्बे को एक सैल्यूट भी जरूर करते जाइए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, NDRF,
गाजियाबाद।